जन अधिकार पार्टी मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने हाजीपुर बंद का ऐलान करते हुए बिहार सरकार की कार्यशैली पर भड़कते हुए बड़ी धमकी दी है। के साथ है, पुलिस वेबसाइट पर है, 25,000 गैंग रेप है, न बेटी सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है जो समाज को लेके चलने वाले हैं। एक दिन में पप्पू यादव 1200-1300 किलोमीटर चलता है और हमको आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि एक दिनों में 10-10, 12-20 लाश को हमें देखना पड़ता है, मासूम बच्चियों के बलात्कार को देखना पड़ता है। अब चूंकि सरकार का वोट और सियासत से और हर नेताओं का मतलब रहता है आम आदमी भाड़ में जाए, पार्टी यदि अपराधी माफिया, शराब माफिया, गुटखा माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ऐसे लोगों को पार्टी और नेता तवज्जो देंगे तो अपराध कहां से रुकेगा। और ऐसे लोगों के मार्फत से ही सत्ता लोग बनाएंगे और सोचेंगे एमएलए एमपी हम ऐसे ही लोगों के कारण बनते हैं, घर भी चलेगा माफियाओं की बदौलत और पार्टी भी चलेगा माफियाओं की बदौलत। अब 47-56 का खेल शुरू हो जाएगा कि किसके किसको पता नहीं है भाई, जबलपुर का 47 किसके किसके घर में है, हम तो लिस्ट दिए हुए हैं। 29 में 22 मंत्री आपका, आपके कई सारे एमएलए, एनआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, विजिलेंस के का पता है कितना 47 है, राघोपुर में कई आदमी के पास 47 है, हमको पता नहीं है क्या, कौन कौन लोग वर्चस्व का खेल खेलते हैं, हाजीपुर घर बन गया है तस्करों का, शराब माफियाओं का, अब तो आप नया गुटखा माफियाओं का फिर राज दे दिए, और दूसरा चीज ढक्कीस एक्ट भी दे दिए लूटने का, पूरी से पूरी गुंडाई करने का। पहले तो हम माफिया से परेशान थे, गुंडाई से, दारू के पुलिस से परेशान थे, अब तो उतारू हो गया गुंडाई करने की, कई गुंडा समाज को तबाह कर रहा है। एसपीडी ट्रायल की हमने मांग की है और रात में ही हमने 20-20 लाख रुपया मुआवजा का डिमांड किया है, और यदि विशेष आप वहां पर फोर्स दीजिए कंप्लीट रूप से, और अविलंब मुखिया जी को बॉडीगार्ड की हम मांग करते हैं कि इसको सुरक्षा मुहैया करा जाना चाहिए, कभी भी इनके जान माल पर खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरा डिमांड साफ है कि 3 महीने के अंदर इस केस का आप निराकरण करें, आप सुरक्षा की व्यवस्था करें, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन पीछे से साजिश कर रहा है उसका भी आप क्लियर करें। ये जघन है, यदि जरूरत होगी तो हाजीपुर बंद भी करेंगे, जरूरत होगी तो बिहार भी बंद करेंगे। यदि सरकार नहीं सुनी और इसी तरीके से मस्त हो गई और अपराधी और माफिया ही तय करेगा सत्ता और नेताओं की पार्टी का, और पार्टी तय करेगा कौन अपराधी है, किसके पास 47 है, किसके पास नहीं है, और वोट की सियासत अपराधी माफियाओं के बदौलत ही होगा, तो फिर लड़ाई तो आर पार होगी और जंग होगा। इसलिए घटना विदारक है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। परसों भी हमने हाजीपुर बंद किया था, और इस घटना को लेकर के किसी भी समय हम घोषणा कर सकते हैं हाजीपुर बंद का, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। खैर, अब देखना होगा कि पप्पू यादव की इस धमकी पर राज्य और केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।